वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज है 26 अक्टूबर 2020 और टाइम क्या हो रहा है अभी भाई? टाइम देखने के लिए हम लोगों को 11:30 बज गए भाई। 11:10 हो गया, ये 11:30 क्यों दिखा रहा है? ये आगे चल रहा है। ठीक है भाई, तो विशाल भाई और मैं जो है वो फुल सेट हो चुके हैं। मतलब सेट किस चीज़ के लिए हो चुके हैं, क्योंकि हमारा एक बार आप लगेज देख लो पीछे पहले। ठीक है भाई, तो इसमें अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, वैसे आ नहीं पाएगा। सो विशाल भाई, क्या प्लानिंग है? थोड़ा सा प्लानिंग ऑडियंस का शेयर करो। हम जा रहे हैं भाई, जैसे पढ़ तो लिया ही होगा लोगों। हाँ, लोगों ने कैप्शन तो पढ़ लिया। जा रहे हैं हम अटल टनल जा रहे हैं, लेकिन हमारा केवल अटल तक खत्म नहीं होता है। हमारा प्लान है, अगर हम लोगों को अच्छा मिला सबसे, वो चीज ना डालू पहली बारी में, वो मत डालियो ना, वो दूसरी चीज बाद में डालू पड़ेगी ना। अच्छा चलो भाई, ठीक है, ये भी बात सही कह रहा है भाई। पहले तो अटल टनल ही हमारा मेन। सो टूवर्ड्स मनाली जो है हम लोग अभी हिट करने वाले, हम लोग जाने वाले हैं। और पहले मैं सोच रहा था कि कैमरे से ही शूट नहीं करूंगा, मतलब फोन से शूट करूंगा, लेकिन लकीली जो हमें वापसी आना पड़ा। अभी तेल वेल भी डलवाना है। और क्या एक्साइटमेंट क्या भाई, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है हम लोग वापसी ट्रैक में आए हैं। ऑलमोस्ट मतलब एक साल ही हो गया। एक साल पहले हम लोग गए थे और सेम जिप्सी से गए थे, और मतलब बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। तब भी एवरेज नहीं थी, आज भी एवरेज नहीं। इसी टाइम पे गए थे ना, इसी टाइम पे गए थे भाई। तो वहाँ पर देखते हैं भाई कौन कौन हम लोगों को मिलता है। बाकी वी आर ऑल सेट टू लीव, और थोड़ी सी चीज़ें जो हमने रख ली है। ठीक है, आते वक्त थोड़ी सी मेरी इंजरी हो गई थी, वो भी शेयर करूंगा। दिखाने वाली जगह नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता तुम्हें पीठ में। वो पीठ के थोड़ा नीचे की तरफ पे चोट लग गई एकदम से। ठीक है, जो चलते हैं। जय भोलेनाथ, लेट्स लीव। तो मेरे घर वाले ऊपर ही होंगे। है कोई ऊपर? है मम्मी? ठीक है, बाय करो। हाँ बोल रही मम्मी, ठीक है, चलो भाई चलते। तो भाई अकॉर्डिंग टू गूगल कितना टाइम लगता है पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश, पहले हमें मनाली जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, हमारा नेट जो है वो स्पीड में चल रहा है। इधर दिखाओ विशाल भाई। अकॉर्डिंग टू गूगल हम लोग 151 यानी कि कल 27 तारीख को दिन में 151 पहुंचेंगे। 14 घंटे हमें लगने वाले हैं। तो ये काल्पनिक टाइम है, काल्पनिक टाइम है। और ये भाई पहाड़ों में जाने के बाद ये और स्लो हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे ज्यादा लगेंगे भाई। तो गाइस हम लोग हाईवे जो है वो हिट कर चुके हैं, और हमने आगे एक घड़ी देखी जिसमें लिखा हुआ है जादू। देख रहे हो भाई, दिख गया होगा आप लोगों को। बाकी ये हाईवे जो है बड़ा जबरदस्त वाला हाईवे है ये। ठीक है, विशाल भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं। हेलोजन बल्ब्स का रिस्पॉन्स भी आप लोगों को बताएंगे। 12:24 का टाइम हो रहा है, गाड़ी जो है वो टपाटप चल रही है, और हमने अभी पानी लेना है, क्योंकि करनाल की रोड जो जीटी करनाल वाली जो रोड थी, वहाँ पर पहले तो पानी वाले हुआ करते थे, अब कोई नहीं है। बाकी अभी तक तो ट्रक व्रक दिख रहे हैं, रोड बहुत छोटी कर दी है। विशाल तू तो आया नहीं था ना मेरे साथ, तो आकृति और मैं जब गए थे तो तब भाई मतलब तू लगा ले, इसके बाद तो हेवन है। रोड इतनी तगड़ी है, मजा आ जाएगा। देखो है, हाँ वो जो हाईवे बने हुए थे, मतलब सॉरी फ्लाईओवर्स खोल दिए सारे, सारे खुल गए भाई, सब खोल दिए। जो नहीं खुले उसे खुदवाओ एक से खुदवा के दूसरे पे। अभी ये थोड़े डाइवर्जन जो है थोड़े से ये खतरनाक है, नहीं तो बाकी सब बढ़िया है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गरम धरम। ठीक है, और यहाँ से जो है हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा आगे की तरफ। फिलहाल के लिए हम लोग रुके कि कुछ पानी की बॉटल ले ले, रेडबुल ले ले। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ समझ सकते हो। अभी तक की ड्राइव वॉज गुड, लाइटिंग जो है वो अच्छा खासा हमारा साथ दे रही है, कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी अभी थोड़ा अंदर जाते हैं उसके दौर में। चल, आजकल एक सीन चल रहा है कि अगर आप जैसे बिना फास्टैग वाली लेन में चढ़ोगे तो आपको डबल वो देना पड़ेगा, डबल पे करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, अभी हमें भी हो सकता था अगर हमें कभी जगह ना मिले। भाई बहुत स्लो चल रहा है ना फास्टैग का, क्या हाँ ये फास्टैग वाला है, ये इट्स वर्किंग वेरी 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 स्लोली। पता नहीं भाई क्या जाए गाड़ी और एकदम निकल जाए। तो भाई यार थोड़ा इंडिया में तो भाई आपको टाइम तो लगेगा ना चीज, अब कोशिश तो कर ही रहा है कोई, लेकिन वो डबल लेने वाला सीन मेरे को पसंद नहीं आया। डबल की बात है कि पेनल्टी है कि तुमने फास्ट टैग नहीं लगाया, ये तो है ही। लेकिन किसी किसी का फास्ट टैग लगा जिसका ब्लैक लिस्ट भी हो गया, उसको भी दिक्कत आ रही है। तो ये पॉइंट थोड़ा खराब है, लेकिन फिलहाल मौका मिल रहा है हमें। लकीली जो है हमारा फास्ट टैग जो है वो चल जाना चाहिए वक्त के हिसाब से, क्योंकि हमारा फास्ट टैग भाई पिछले कितने महीनों से, साल हो गया, साल तो नहीं हो, साल हो गया, हाँ साल हो गया, साल हो चुका है ना। देखते भाई चलता है नहीं चलता। तो हमारा फास्टैग चल गया है और सब भाग लिए भाई।
भाई हमारा सेकंड टोल जो है वो आ चुका है, सबसे इजी वाला टोल यही है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोग बिल्कुल टपा टप चलते हुए आए। और विशाल भाई कैसी लग रही है किया के बाद इसको चलाना? डिफरेंट यार, ये फीलिंग अलग है ये फीलिंग अलग है ना, थोड़ी सही है, थोड़ा सा आगे कर दो भाई। आया, चलो भाई खुल गया, गाड़ी बंद हो गई। सो गाइस यहाँ पर इतना बुरा सीन चल रहा है हाईवे में कि यहाँ पर चारों तरफ से जो है ट्रक वालों ने घेर रखा है एंड कोई भी किसी को साइड नहीं दे रहा, हम लोगों को जबरदस्ती बार लाइट जलानी पड़ी है कि कोई साइड दे दे। अब जाके हमें लेफ्ट में भी अगर आप देखोगे पूरे ट्रक ही खड़े हुए, लेफ्ट में भी ट्रक है विशाल, राइट में ट्रक है, एक लेन में चला है। लेकिन भाई ये बड़ा खतरनाक सीन होता है हाईवे में ना, बड़ा दिक्कत होती है इसकी वजह से, टाइम बहुत खराब होता है और साथ में रिस्की भी बहुत होता है क्योंकि बीच में बड़े बड़े ट्रॉले भी है, तो ओवरटेक एकदम से लिया तो दिक्कत आ सकती है। इधर भी है फिर से ट्रक है, देख लो सब फंसे हुए हैं भाई, इधर से आ जाओ भाई, साइड आ गई है, उस तरफ में एक और ट्रक है भाई, लेकिन चलो कट गए अब हम लोग। तो विशाल भाई जो है हमें लेके आ चुके हैं हमारे थर्ड, भाई चल रहा है टोल, चल रहा है थर्ड टोल की तरह, थर्ड है ना, हमारी किस्मत देखो साइड में इतने ट्रक ट्रक रुके, लेकिन हम जो है बिल्कुल टपा टप चल जा भाई, चलो गैस वाली भी बहुत तेज है। गाइस मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला में, हम लोग बस एंटर हो चुके हैं, हमारी फेवरेट जगह है जहां पर हम रुकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो जो है यहां पर शूट करी है और इस टाइम पे हालत जो है वो कुछ ऐसी सी हो गई है बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पत्थर लगा के चल रहे हैं हम, एक ट्रक वाले चलते हैं पत्थर लगा के वैसे चल रहे हैं, वैसे यहां पर ज्यादा देर तक रुकना अलाउड नहीं है कुछ ऐसा, एक बार हुआ था क्या समझ सकते, हमने यहाँ पर भी ड्रोन उड़ा के देखा था, बाहर जा रहे हो फ्रेश हो गाइस। हम लोग जो है अब मैप के अकॉर्डिंग हमें और 8 घंटे 52 मिनट यानी कि 12:46 में हम लोग पहुंचेंगे, बड़ी प्यारी सी किसी जगह से हम लोग गुजर रहे हैं जो कि है रोजलिन स्क्वायर सेल्स ऑफिस और आसपास का माहौल देखोगे और बाहर की भाई इतनी सही ठंडक आ रही है ना। और हम लोग अभी जो है जीरकपुर से हम लोगों ने अपना लेफ्ट टर्न लिया है, जीरकपुर में हम लोग ऊपर की तरफ नहीं चढ़े, लेफ्ट से ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये सीधा आप लोगों का ये वही विशाल वही है रोड है ये मनाली, जब हम क्या बोलते हैं गाड़ी से भी गए बाइक से भी गए तो मतलब रूट तो हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। और यह गैस यहाँ पर शादी वादी होती है इसलिए पूरी सारी जगह सजा रखी है। मैं भाई सबसे बड़ी दाद तक इन लोगों के लिए देता हूँ जो लोग बाइक से ट्रेवल करते हैं और स्पेशली सोलो ड्राइव करते हैं, मैं उनको डर तो लगता होगा थोड़ा, टॉयलेट भी करना है तो सोचना पड़ेगा क्योंकि सामान पूरा भरा होगा भाई, बाइकर्स के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ठीक है भाई हम तो गाड़ी में हम इंजॉय करते हुए चल रहे हैं, मैप को फॉलो कर रहे हैं और बाकी कहीं पहुँचते कुछ अच्छा चीज़ होगा क्योंकि 4:14 हो गए तो सनसेट जो है वो देखते हैं कितने बजे होता है, उसके बाद ही सॉरी सनराइज भाई हमारा सनसेट ही हो रहा है ना अभी तक, कोई बात नहीं सनराइज करते हैं, चलो डन। सो गाइस सीन इतना ज़्यादा वर्स हो गया कि जो सारी मिट्टी है वो उड़ के पीछे आ रही है और हमारी जो मिट्टी है वो पीछे वाले भाई के पास जा रही है, और भाई मतलब विजिबिलिटी बीच बीच में खराब हो जाती है, दिन के टाइम में तो ठीक है लेकिन रात के टाइम में बड़ी दिक्कत है। अब देख रहे हो भाई मिट्टी देखो पहले तो अब कितनी मिट्टी है, स्किड भी खा रही है गाड़ी, तो ऐसे एक्सेलरेशन क्यों कर रहा है अलग अलग तरीके से, अब देख रहे हो नीचे की तो विजिबिलिटी बीच बीच में मर जा रही है, ट्रक आ रहा है भाई, ट्रक आ रहा है
ऊटी से हम लोग बिल्कुल सन चुके हैं। विशाल भाई बीच बीच में अलग अलग रास्तों पर गाड़ी ले जाते हैं। ये भी है भाई सही है, कहीं गलत है क्या भाई? थोड़ी हाई बीम कर लो भाई, दिखा दो भाई एक बारी, क्योंकि सारे ट्रक उस तरफ जा रहे हैं। खतरनाक भाई खतरनाक, ये होता है ऑफ रोडिंग भाई। अब समझ गए होंगे जिप्सी क्यों लेके आ गए और सेल्टोस क्यों नहीं लेके आए। सेल्टोस लेके आए होते तो उसका भी तेल निकल जाता है यहाँ पर ना। गाइस फाइनली उजाले की एक किरण जो है वो हमें देखने को मिल गई है, और नो डाउट थक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं थके कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। अभी भी टाइम जो है वो वही है भाई, 12:30 करीब में जो है हम लोग पहुंचेंगे, और लोग अभी भी बहुत तगड़ी हाई बीम मारते हुए आ रहे हैं सामने से भाई। ये भाई स्ट्रेच जब भी हम करते हैं ना एक अलग एनर्जी, ये जब भी स्ट्रेच करते हैं एक अलग एनर्जी रहती है ना। हाँ मतलब पहाड़ों में यार जिप्सी चलाने का मजा भी बहुत अलग है। जय भोलेनाथ भाई। और हमसे आगे एक ट्रक चल रहा है, और पहाड़ों में जब भी ओवरटेक करो स्पेशल रिक्वेस्ट है, बड़े टर्न्स में कभी भी ओवरटेक मत करना, ठीक है? जैसे हमारे आगे एक भैया चल रहे थे अभी, जो कि बिल्कुल जैसे ये टर्न्स आते हैं ना इनमें कट मार रहे थे, प्लीज़ मत मारा करो, इसी की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो विशाल भाई की बस अभी ड्यूटी ओवर होने वाली है, उसके बाद ड्यूटी जो है मैं संभालूंगा। नींद तो मेरे को भी आ रही है, ये सो तो आप पा नहीं सकते जिप्सी में, लेकिन स्टिल भाई जितना मजा हो सकता है उतना मजा करते हुए जाएंगे, आराम से जाएंगे और सेफली जो है मनाली पहुंचेंगे। सो गाइस फाइनली जो है शिफ्ट चेंज करने का मौका जो है वो आ चुका है, तो अब गाड़ी जो है आपका भाई चलाएगा, विशाल भाई अब थोड़े आराम करेंगे, कि थोड़ा सा मिट्टी में गिर गया था। और ठंड जो है वो खतरनाक हो रही है, जबरदस्त वाली। व्यू देखना है, देखो भाई जहाँ पर हम रुके हैं, ठीक है, हमारा विश्राम कक्ष था अभी, और मिट्टी देखोगे नीचे बहुत मिट्टी है भाई। तो चले भाई, चलो भाई चलो। तो चाय ब्रेक जो है वो हो चुका है, विशाल भाई थोड़ा हल्का होने जा रहे हैं। मीनवाइल गाड़ी की कंडीशन लुक सब कुछ ओके रिपोर्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन स्टिल इट्स गोइंग गुड। सो टॉयलेट जो है वो इस तरफ है, अच्छा टॉयलेट है, बाकी इट वॉज गुड मैन, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में ना। बस थोड़ा सा वही है कि जब मेरा बड़ा स्टीयरिंग लगा था उसमें मेरे को कटिंग ज़्यादा इजी लगती थी छोटे वाले से। बोलते हैं कि छोटे में कटिंग इजी होती है, लेकिन अपने साथ उल्टा हो रहा है। कोई बात नहीं, देखेंगे बाकी जो होगा। विशाल भाई कितनी ठंड है? ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई कह रहा था चाय जो है वो अंदर ही मंगा लेते। अभी गाड़ी के अंदर थोड़ा फील हो रही है, लेकिन अभी तो बोल रहा था अंदर मंगा लो चाय। चलो भाई ठीक है, लेकिन मैंने एक फैक्ट बोला, जो बड़ा वाला स्टीयरिंग था उसमें कटिंग ज़्यादा इजी थी। बोलते छोटा स्टीयरिंग है लेकिन ऐसा क्यों भाई? मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जब टर्न ले रहे थे ना, क्योंकि लग रहा होगा डिफरेंस हो गया। चलाया तो इसको भी बहुत है हमने। बाकी गाड़ी जो है वो ओके रिपोर्ट चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत गाड़ी ने दी है। इनिशियल पिकअप में हमको लग रहा था जब पहाड़ों में चढ़ रहे थे कि गाड़ी जो है एकदम से पहाड़ आ गए थे ना, इसे लग रहा था। तो अभी कुछ चाय पियेंगे, और अभी हम कहाँ पर है? ओ माय गॉड भाई ठंड। अभिनंदन भोजनालय। विशाल भाई ने आखिर में हार मान ली है, ये ले भाई चाय अंदर ही मंगा ले, पीछे डाले में बैठ जा यार। हम लोग इतना ज्यादा खुश थे कि हम लोगों ने पार्ले जी खा लिया और चाशनी वाली चाय पी। जिंदगी में मीठी चाय पी है ये हमारे। अगर वरुण भैया इस वीडियो को देख रहे तो जितनी आप मीठी चाय पीते हो, जितने आप मीठे हो उतने उतना वाला पूरा स्वाद था। तो भाई चलते हैं अपने वापसी काम की तरफ, ठीक है? चाय में एक मुट्ठी पूरी। चलो भाई लेट्स ली। तो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं मंडी, और मंडी में जो भाव है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि भाई तेल निकलना शुरू हो चुका है। लाइटिंग पता नहीं कितनी आ रही है, लाइटिंग तो बहुत कम है अभी यहाँ पे, लाइटिंग बहुत कम है, लेकिन भाई बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है भाई। मौसम देखोगे बाहर, देखो शीशा खोलते ही ठंडे, शीशा खोलते फील आ जा रही है भाई बाहर की ना। देखो पीछे की रोड का मजा लो, कैसा लग रहा है? मजेदार है कि नहीं है जरूर बताओ। इस रोड में हम लोग अहेड जा रहे हैं,
और जैसा होगा आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। बाकी फन हो रहा है, गाड़ी फुल पावर चल रही है, तेल पी रही है, लेकिन स्टिल भाई क्या करे, हमारी जो जान है भाई, इसको तेल पीने की आदत है ना विशाल? बिल्कुल भाई, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। और विशाल भाई बोल रहे जाती राहुल तेरे को एक मसाज दूंगा बढ़िया सी। आज हम दूसरे रूट से जा रहे हैं यार। बोल रहा भाई आज हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं भाई, नींद आ रही है ना, इसलिए तुतला रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारे सेंसेस जो है ना बहुत स्लो हो जाएंगे। ये होगा कि हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप स्लो होते जाएंगे। सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं मंडी, और अभी हम लोग रुके हैं विशाल भाई के लिए। विशाल भाई जो है थोड़ा फ्रूट्स की अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी खाऊंगा। तो भाई देखो, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप लोग कभी पहाड़ों में आते हो, स्पेशली हम लोग तो पहाड़ से है, तो मेरे को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। विशाल भाई को भी पता होगा भाई, यहाँ पर आके सेब नहीं खाया तो क्या खाया है ना भाई, केला भी खा ले तू है और क्या खाएगा। सेब तो यहीं की है ना, देख लो भाई, भैया देखो कितना प्यार से निकाल के दे रहे हैं। पेट थोड़ा बनेगा, देख लो भैया कितने अच्छे, भैया हाथ भी धुलवा रहे यार, देख लो। ले विशाल, कितना हो गया मुझे दिखा दे भाई। यार ना आगे तो गाइज ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो ये जिप्सी ऐसे बंद होती है। सो हम लोग रुके हैं होटल परासर वैली व्यू एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ का जो व्यू है बड़ा ज़बरदस्त है, एक बार देखोगे आप लोग, इट लुक्स सो नाइस, कितना ज़बरदस्त है देखो एक बार। ये लो भाई, कैसा लग रहा है विशाल यहाँ का व्यू? बहुत बढ़िया यार। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इंग्लिश वॉशरूम मिल जाता है, सारा ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, और सब कुछ सैनिटाइज है सबसे अच्छी बात। तो इट लुक्स वेरी नाइस, और अभी भी हमें टाइम लगेगा पहुँचने में, है ना। इस जगह का नाम आई गेस परासर ही होगा? नहीं, परासर आगे जाके। अच्छा, पहले नाम रख दिया उन्होंने, बिजौर है, बिजौर। आप कहाँ चढ़ रहे हो भाई, क्या ढूंढ रहे हो भाई? तो भाई की अभी मेरे घर से प्रोटीन वोटीन शुरू हो गया होगा, बाकी द व्यू लुक्स सुपर डुपर गुड। कुछ खाते हैं, भूख बहुत लगी है, फिर बात करेंगे। तो ज़िंदगी का जो बेसिक सामान और बेसिक ज़रूरत है वो है विशाल भाई की ऑमलेट, मैं सैंडविच खा रहा हूँ। आप कॉफ़ी पियोगे भाई, क्या पियोगे? पानी पियेंगे, और भाई हम ये खाएंगे, बड़ा ओके सा लग रहा है ये ना। बातचीत है गाइज। हम लोग जो है ऑलमोस्ट मतलब करीबन गूगल मैप के अकॉर्डिंग मोर 45 मिनट्स एंड वी विल बी रीचिंग देयर। और जहाँ तक आप बात करोगे, सीधे जाना है? हाँ सीधे चलना। सो गाइज हम लोग जो है मनाली 37 किलोमीटर रह गया बस, और अपने वे में आ चुके अपने वे में आ चुके हैं, देख लो एक बारी भाई। और लोग पीछे से पीपी पीपी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी क्या चक्कर है क्या भाई, सबके से पीपी 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 बजाते हैं यार पीछे से। अब एग्जॉस्ट होने लग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्टिल पहुँचेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सोएंगे या घूमेंगे, देखते हैं। सो गाइज हम लोग अभी मनाली से कितना दूर है भाई? 20 किलोमीटर रह गया बस, 20 किलोमीटर नहीं रह गया, मतलब 20-25 किलोमीटर, आधा घंटा 40 मिनट। और हम लोग रास्ते में रुके हुए थे थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए,
और बाकी व्यू जो है बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर ना, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में गुजर रही है और अलग ही फीलिंग है भाई। आफ्टर वन ईयर अगो, नहीं सॉरी वन ईयर भाई सब भूल गया जो चल रहा है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया इस टाइम पे ना, वन ईयर अगो वाली फीलिंग आ गई है भाई। क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई, गाड़ी पूरी आग की तरह निकलती है यहाँ से। चले भाई पहुँचो। गाइज हम लोग जो है अपने रूम में आ चुके हैं, आप लोगों को अभी जो है हम लोग अपने भाई अजय से भी मिलाएंगे, और भाई ने बड़ा ज़बरदस्त व्यू वाला हमें जो है होटल प्रोवाइड कराया है। एक बार देखो भाई कितना ज़बरदस्त व्यू है, और नीचे पिल्ले भी है। ठीक है विशाल भाई, कैसे रहा है ड्राइव, थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ गाड़ी ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो लाइट की तरफ हो यार, इधर तो लाइट ही नहीं आ रही। हाँ आप बताओ। तो गाड़ी का तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल कूदते हुए आए हम लोग, सेफ चलाते हुए आए कुत्ते। और करीबन मतलब कितने 536 किलोमीटर 540 किलोमीटर हमने, मतलब लगभग लगा लो 585 किलोमीटर आ गए आप लोग, 600 किलोमीटर आ गए। तो भाई हमारे अजय भाई आ चुके हैं, एक बार हेलो बोलो भाई सबको। तो अजय भाई का जो है अपना पूरा टूरिंग का काम है, तो मनाली कोई भी आ रहा है भाई तो अजय भाई का नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है तो भाई से जो है कर लेना बातचीत। बाल बाल का स्टाइल चेंज हो गया, वही लड़का है पुराने वाला। भाई ने टैटू बनाया, टैटू दिखाओ यार ऑडियंस को यार, थोड़ा सा भाई अभी दिखाने को थोड़ा मुश्किल है, बाद में दिखाएं। स्नीक पीक थोड़ा सा दिखाओ भाई, थोड़ा सा दिखाओ। देखो भाई जबरदस्त बहुत, अभी ये तैयार हो रहा है टैटू, अभी सेटिंग रह रही है। और अभी कौन सी जगह में हम लोग, कौन सी जगह? मनाली, ओल्ड मनाली, ओल्ड मनाली, ओल्ड मनाली में। होटल का नाम क्या है? ये है व्यास गंगा नाम का है। किनका होटल है? अनुप भैया का होटल है। तो अगर भैया भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई हमें आते ही सीधे रूम मिल गया, नहीं तो वैसे दिक्कत होती है बड़ी ज़्यादा ना, इधर जाओ उधर जाओ। भाई जो है हमारी सर्विस में ऑलवेज रेडी। और अब इसके बाद ये व्लॉग जब कंटिन्यू चलेगा तो वी आर गोइंग समवेयर वेरी स्पेशल। अटल तो जा ही रहे, अटल में एक व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, दूसरा व्लॉग स्टार्ट होगा जो कि नेक्स्ट लेवल है, जो कि हम लद्दाख के टाइम पर करना चाहते थे, हम लोग नहीं कर पाए थे और भाई की वजह से हो जाएगा। ठीक है, भाई की गाड़ी हम लोग मिस कर रहे हैं, भाई की गाड़ी अभी है नहीं, कहीं गई हुई है काम से कुछ, और बाकी जैसा होगा आपको बताएंगे। ठीक है गुड है, चाय पिला रहे हैं? हाँ अदरक वाली जिंजर लेमन हनी, सब कुछ एक साथ डाल के दे देगा, गला वाला सब खराब हो जाएगा। चलो भाई बढ़िया। सो गाइज हम लोगों ने जो है नहा लिया है और हम लोग रेडी हो चुके हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। खाना है, हम थोड़ा सा खाना खाए। आप अपनी कढ़ाई पनीर हुआ है? नहीं यार पहले भेज दो ना, भूख लग रही है। भाई एक घंटे पहले ऑर्डर किया था, भाई लोग कह रहे थे कि जल्दी दे देंगे लेकिन पता नहीं भाई, और अभी चूहे दौड़ रहे हैं भाई पेट में ना, कुछ खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ऐसे में पूछ के जा रहे कि भाई पनीर था कि नहीं था, दाल ही खिला दो भाई, कुछ तो खिलाओ, वो पेट के अंदर कुछ जाना चाहिए सब सो सके भाई, क्योंकि सोना भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। और लिटरली ठंड इतनी तेज़ लग रही है कि हाथ कांप रहे हैं मेरे, और रात को यहाँ 10-8-9 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। व्यू बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ से ना, बाहर का बढ़िया लग रहा है। पार्ट वन मनाली का इधर ही एंड होता है, आप लोग कुछ चीज़ें जानना चाहते होंगे जिनका हम जवाब देते हैं। जिप्सी ने इतनी खतरनाक वाली परफॉर्मेंस दी, हमें बहुत मज़ा आया। लिटरली हमने इस ट्रिप में ऑब्जर्व किया कि एवरेज क्या थी, तो 9 से 10 के बीच की हमारी गाड़ी ने एवरेज दी है, और हम लोग टपाटप चल रहे थे जैसा मैंने बोला था आप लोगों को। कितने घंटे में हम पहुँच गए विशाल? 12 से 13 घंटे में हम लोग मनाली पहुंच गए। वी वर ड्राइविंग भी आए थे, हम तो बहुत रुकते हुए आए, बीच में एक घंटे का स्टॉप था हमारा कम से कम, जब हमने खाना पीना सब कुछ खाया। बड़ा जबरदस्त था पार्ट वन, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल आने वाला है पार्ट टू, आप लोग ऐसे ही अंधा प्यार दो, सब कुछ बढ़िया है। जिप्सी ने ऐसे वाला प्यार दिया है। और बाकी आप लोग अगर इधर तक इस वीडियो को देख चुके हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ में अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना है लिखे Musafir7811, फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड। होटल जो है वो हमारा चेंज हुआ है, कौन सा होटल है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी बहुत ज़बरदस्त है, अटल टनल जा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं भाई, देखो।